रुख करते हैं शाहिनों के शहर सरगोधा का, जहां सरगोधा में मियां नवाज शरीफ के नाम से बनने वाला कार्डियोलॉजी सेंटर का काम तेजी से जारी हो सारी है। इस वक्त पे नुमाइंदा नसीम अब्बास वहां पर मौजूद हैं। जी नसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेजबान नसीम अब्बास खान और आप देख रहे हैं बिग न्यूज का बिग प्रोग्राम अवाम की आवाज। इस वक्त मैं सरगोधा सिविल हॉस्पिटल में मौजूद, अगर बात की जाए तो यहाँ पर 80 एकड़ से तैयार होने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर, जिसका काम बड़ी तेजी से जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो इंजीनियर्स और जो तमाम मजदूर हैं वो बड़ी मेहनत से का साथ काम कर रहे हैं ताकि इसको फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुंचाया जाए। अगर बात की जाए तो सरगोधा में ये पहली तर्ज का हॉस्पिटल होगा जिसमें डिवीजन भर के लोग इससे मुस्तफीद होंगे। इसके अलावा गुजरात, गुजरांवाला, झेलम और सरगोधा से जो जुड़े इलाके हैं वो भी इससे फायदा उठा सकेंगे। अगर बात की जाए तो इसमें इंटरनेशनल सहूलियात दी गई हैं जो पहली दफा सरगोधा के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जबकि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की कोशिशों से इस हॉस्पिटल में दिन रात काम जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन रात काम जारी है और इसका एक साल के अंदर अंदर इफ्तिताह होगा, जो सरगोधा के अवाम के लिए बहुत खुशखबरी है। इसमें बिल्कुल फ्री इलाज होगा, जितने भी कार्डियोलॉजी के मुतालिक मरीज हैं उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा और ये सरगोधा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब की तरफ से ये सरगोधा के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जी बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास तफसीलात से आगाह करने का।